जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी SDM सिद्धार्थ जैन ने व्यापारियों को ग्राहकों को मोबाइल नंबर और पते लिखने का आदेश दिया। नरसिंहगढ़ में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस को लेकर प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हैं। इसी क्रम में SDM सिद्धार्थ जैन ने एक आदेश दिया गया, जिसमें समस्त व्यापारियों ने अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों के मोबाइल नंबर पता कर एक डायरी में लिखे। जब मीडिया कर्मियों ने इस संबंध में नगर के व्यापारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी के आदेश से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मोहम्मद मुबारक ताई। ताई साहब, आप ये बताएं कि प्रशासन का एक अभी नया आदेश निकला है कि हर ग्राहक का नाम पता मोबाइल नंबर लिखना है आपको। प्रशासन का आदेश तो हमें मान्य है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे जो ग्राहक रहते हैं वो अपना मोबाइल नंबर और नाम नहीं दे पाते हैं, और अपन मांगते हैं जब भी नहीं देते हैं, और फिर क्या है कि लेडीजें जो हैं वो तो बिल्कुल देती नहीं है, और अभी क्या है कि बहुत समस्या है। ग्राहक से अपन पूछते हैं तो कहते हैं भैया आप इतनी सारी जिम्मेदारी ले रहे हो, अपन को कहते हैं कि प्रशासन का आदेश है, लेकिन वो बताने से इनकार कर रहे हैं। उनसे यार अपन क्या ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं करने देते। साहु जी, जैसे प्रशासन का एक आदेश निकला है कि हर ग्राहक का नाम पता मोबाइल नंबर लिखना है आपको, कब तक लिखेंगे? ये नहीं लिख सकते हम, कोई भी दुकानदार को इतनी परेशानी होगी, सामान देगा तो उनका नंबर लिखोगे रजिस्टर में, और क्या दिक्कत होगी उससे? और ना कोई ऐसा आता और ना बन सकती, इतने इतना टाइम भी नहीं है लोगों को। गुप्ता जी, जैसे प्रशासन का एक आदेश निकला है कि हर दुकानदार को ग्राहक का नाम पता लिखना है, तो इसमें आपका क्या कहना है? फुटकर व्यापारियों के लिए तो संभव नहीं है ये, जिसके ग्राहक ही 15-20 ग्राहक आते हैं थोक विक्रेता होता है वो जरूर नाम पता लिख सकता है। अब छोटे व्यवसायी है, उनके दिन भर में 100-200 ग्राहक आते हैं, महिलाएं भी आती है, महिलाएं अपना नाम पता या पता देना पसंद नहीं करती है, ना मोबाइल नंबर देगी, क्योंकि कुछ अवांछित लोग जो है उसको उनको परेशान करते हैं, संख्या दुकानदार के ऊपर आती है। मेरे को अभी कल तो सूचना मिली है, अच्छा आज अपन रजिस्टर बनाया है, चालू कर देंगे धीरे धीरे। कल जेंट्सों के नाम ही लिख पाते हैं, लेडीज का तो मुश्किल है। अभी हैदराबाद जो प्रशासन का एक आदेश निकला है कि हर ग्राहक का आपको नाम पता लिखना है, तो लिख रहे हैं क्या आप? ये संभव ही नहीं है लिखना, क्योंकि दुकान के अंदर जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आती है, लड़की भी आती है। जेंट्स एक बार नंबर दे देंगे अपन, लेडीज और लड़की है तो नंबर मांगो तो शायद उठ के ही चली जाए दुकान पे से, तो ये संभव नहीं है, और ये बेहद परेशानी का, क्योंकि एक एक बार में आटा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन